हेलो क्यूटी पाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे फेस शेप रूटीन शेयर करूंगी और मैं मैजिकल डीआईवाई वाटर आपको बनाना बताऊंगी, जिससे कि आपके फेशियल हेयर्स ग्रेजुअली डिक्रीज होते जाएंगे। आप अपने फेशियल हेयर्स को कई प्रोसीजर्स से हटा सकते हैं, जैसे कि वैक्सिंग, रेजर्स। तो अगर आप पूछें कि फेशियल हेयर्स रिमूव करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो फिलहाल अभी लॉकडाउन के चक्कर में आप कहीं जा नहीं सकते, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। सो बेस्ट ऑप्शन इज रेजर। अदरवाइज एट सलॉन यू कैन यूज़ बीन वैक्स। बीन वैक्स बेसिकली स्ट्रिपलेस वैक्स होता है और आपको वो उसको अप्लाई करके वो केवल ऐसे जब सूख जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा, वो एक सॉलिड मास बन जाएगा, तो उसको पकड़ के खींचना होता है विदाउट एनी स्ट्रिप। और ये हर जगह अवेलेबल भी नहीं होता। मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से वो बेस्ट है। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई सम अदर टाइप ऑफ वैक्सेस, सो देर आर टू मोर टाइप्स ऑफ वैक्सेस। फर्स्ट इज रीका वैक्स, सेकेंड इज नॉर्मल हनी वैक्स। फेस के लिए यू शुड नॉट यूज़ रीका वैक्स, बिकॉज वो आपके स्किन में अच्छे से चिपक के जब आप उसको स्ट्रिप से रिमूव करोगे तो इट विल बी वेरी हार्श फॉर योर स्किन। एंड समटाइम्स अगर आपकी स्किन बहुत पतली है, आपकी बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो हो सकता है कि आपकी स्किन में निकल आए। ऐसा बहुत रेयरली होता है, बट देर आर चांसेस। आपकी फेस की स्किन बहुत पतली होती है, सो आई वोंट प्रेफर कि आप रीका वैक्स कराएं अपने फेस पे। अदरवाइज बॉडी के लिए बेस्ट इज रीका वैक्स, क्योंकि वो आपके डेड सेल्स को भी रिमूव करता है, प्लस योर स्मॉल हेयर्स। सो फॉर फेस इट्स समवॉट डेंजरस टू यूज़ रीका वैक्स, बट यू कैन यूज़ नॉर्मल वैक्स ऑन योर फेस। बट उससे थोड़े ये चांसेस होते हैं कि आपको रेडनेस दिखे, छोटे छोटे बम्प्स दिखें, हल्के से जो स्किन एलिवेट हो जाती है हमारी, वो हो सकता है। सो डोंट डू दैट। अगर आप फेस वैक्स कराना चाहते हो तो आई थिंक बीन वैक्स कराइए, अदरवाइज लीव इट। तो नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, दैट इज रेजर। एंड टुडे आई एम गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ आई यूज दिस ऑन माई फेस। एंड वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट यू नो ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, एंड ऑल्सो टू नो हाउ टू रिड्यूस योर फेशियल हेयर्स ग्रेजुअली फ्रॉम दैट DIY वाटर। तो ये रेजर कुछ इस तरह से आता है। दिस इज द कैप एंड यू कैन सी द ब्लेड ओवर हियर। बिफोर यूजिंग इट यू मस्ट सी इफ इट्स टोटली क्लीन एंड ऑल्सो योर स्किन। बेसिकली मैंने इसको अमेजोन से मंगवाया था। आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे चेकआउट कर सकते हो। इसी नाम की स्पेलिंग को थोड़ा बहुत यू नो डिफर करके अलग अलग कंपनीज अपना निकालती हैं, सो यू कैन चेक आउट कि जिसमें ज़्यादा अच्छा हो करो, यू कैन ग्रैब इट। वैसे मैंने इसे लॉकडाउन से पहले लिया था, बट गाइस पूर्ण बहिष्कार करें, बट परचेज कर चुके हैं, सो आई कैंट थ्रो इट आउट। सो या नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट बाई दिस बिकॉज इट्स चाइनीज प्रोडक्ट। जस्ट टाई अप योर हेयर। Okay, so what are the things which you should do prior using the razors? आपकी skin clean होनी चाहिए, pat towel dry and then apply thick moisturizer. बहुत पतली लेयर लगाइएगा एक thick moisturizer का। आप facial oils भी use कर सकते हो moisturizer की जगह। अगर आप thick moisturizer या facial oils use नहीं करना चाहते हो तो you can go for Vaseline. और आज मैं Vaseline से ही demonstration करके दिखाऊंगी। So बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बट कवर एवरी पार्ट ऑफ योर फेस। इट्स रियली रियली जेंटल टू योर स्किन। आई एम नॉट श्योर कि ये विजिबल अभी होगा या नहीं, बट या जैसे मैं अपना कैमरा अपग्रेड करूँगी आई विल रीशूट इट। मेक श्योर आपका रेजर क्लीन हो। रेजर्स को यूज़ करने का तरीका, यू डोंट हैव टू डू लाइक दिस। आपको हमेशा स्लैंट चलाना है, एट 45 डिग्रीज आपको इसको यूज़ करना है, नॉट लाइक दिस बट at 45 degrees या उससे भी नीचे। Now just hold your hairline. Stretch होने से आसान होता है razor करना। Now use spoolie to comb up your eyebrows. ऐसे आपको हेयर्स नहीं दिख रहे थे, नाउ यू कैन सी दिस। आई यूजली डू माई अपर लिप्स विद दिस रेजर ओनली,
क्योंकि अपर लिप्स बहुत पेन करता है। नाउ आई यूजली लाइक टू यूज प्लकर यहाँ के लिए सो दैट एक डिफाइंड शेप दे दूँ। एज सून एज यू आर डन यूजिंग योर रेजर्स इसको तुरंत क्लीन करके इसका कैप अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज इट कैन बी डेंजरस। आई हैव जस्ट ट्राइड टू डिफाइन माई आईब्रोज यूजिंग प्लकर। मैंने एक एक बाल प्लकर से निकाला एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि स्क्रीन में डायरेक्टली करके प्लक करते, तो मैंने वो ऑफ कैमरा किया। रेजर करने के बाद अपने फेस को प्लेन वाटर से क्लीन कर लीजिए। नो नीड टू डू फेस वॉश, आपको केवल प्लेन वाटर से वॉश करना है सो दैट एक्सेसिव वैसलीन और जो हेयर के रेमिनेंट्स रह गए हैं वो अच्छे से निकल जाए। एंड आफ्टर रिमूविंग फेशियल हेयर्स आपका स्किन इंस्टेंटली ब्राइटन अप हो जाता है। इंस्टेंटली आफ्टर यू हैव वॉश्ड योर फेस लेट इट ड्राई। तब तक के लिए हम बनाते हैं अपना मैजिकल वाटर। टेक अ बोल, दिस इज पोटैश एलम या फिट करी। इससे आपको दो बेनिफिट्स मिलेंगे। फर्स्ट इज जब भी आप फेशियल हेयर्स रिमूव करके जब भी आप इसको यूज़ करोगे उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके फेशियल हेयर्स नेचुरली कम आ रहे हैं और वो धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे आपका ये फेशियल हेयर आना बहुत कम हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको रेजर्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एंड सेकेंड यूज़ मान लीजिए आपका कहीं कट लग गया है सो टू रिपेयर टू हील इट, तो आपको क्या करना है कि आपको इसको स्क्रेप आउट करना है, थोड़ा सा खिस के निकालना है। चाहे तो आप इसका थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ के उसको कूट सकते हो जो भी आपको सूटेबल लगे। मैं इसको इसी रेजर से क्लीन करने के बाद इसको स्क्रेप कर रही हूँ। सो आई हैव स्क्रेप इट आउट। हाफ टेबल स्पून होगा, इसमें आप चाहे तो गुलाब जल मिला सकते हैं या फिर डिस्टिल्ड वाटर। मैं डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून, तो पोटैश एलम या फिट करिए आपको हाफ टेबल स्पून लेना है और पानी 2 टेबल स्पून। विद द हेल्प ऑफ सम कॉटन यू हैव टू जस्ट अप्लाई इट। अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड देन जस्ट अप्लाई इट। जब भी आप अपने बाल रिमूव कर रहे हो, फेशियल हेयर्स रिमूव कर रहे हो, उसके बाद आपको इसको यूज़ करना है, क्योंकि फेशियल हेयर्स रिमूव करने के बाद आपके क्यूटिकल्स ऑलमोस्ट ओपन हो जाते हैं, फॉलिकल्स आपके ओपन हो जाते हैं, तो ये अंदर तक जा पाते हैं और अपना इफेक्ट दे पाता है। ये हेयर्स को ग्रो करने में प्रिवेंट करता है, तो इसलिए आपके जो नए हेयर ग्रोथ हो रहे होते हैं वो धीरे धीरे इवेंचुअली डिक्रीज होते चले जाते हैं। अगर आप वैक्स कर रहे हो तो वो डीपली जा पाता है, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट आता है और जल्दी रिजल्ट आता है। रेजर से क्योंकि आप केवल सतह से काट रहे हो, केवल सर्फेस से काट रहे हो, तो फिर चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, तो वैक्स बेटर होता है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो वैक्स एक बेटर ऑप्शन रहेगा। मैंने अच्छे से 2-3 बार कवर कर लिया है अपना फेस एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम 1 मंथ एंड या डेफिनेटली मेरे को रिजल्ट्स दिखे हैं। आप चाहे तो डायरेक्टली भी फिट करी लगा सकते हो, बट वाटर में करके डाइल्यूट हो जाता है, तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर फॉर योर स्किन। एंड जस्ट गिव इट अ ट्राई। जैसे अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करते हो उसके बाद इसको कुछ नहीं करना है, इसको बनाने में कुछ भी नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू सिंपली अप्लाई इट एंड डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। नाउ लेट इट ड्राई। अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे इसका ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, प्लीज़ ये वाला मत लेना क्योंकि ये चाइनीज प्रोडक्ट है। आप इसका ऑल्टरनेटिव कोई देख लीजिएगा जो कि मेड इन इंडिया हो। फेशियल रेजर्स अलग आते हैं, बॉडी रेजर्स अलग आते हैं, मेंस के अलग आते हैं, वुमेंस के अलग आते हैं। वुमेंस का भी समथिंग लाइक दिस विद अ कैप एंड अ ब्लेड। कुछ लोग को डर लगता है रेजर्स यूज़ करना अपने फेस पे, अपने बॉडी पे, अपने हैंड्स लेग्स पे, बट आई हैव बीन यूजिंग इट फ्रॉम 1 ईयर एंड मुझे ऐसा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं दिखा कि मेरे बाल मोटे आ रहे हों या नथिंग लाइक दैट। अगर साइंटिफिकली सोचें, जब हम वैक्स करते हैं तो फिर वो पूरा जड़ से निकल आता है, तो एक नया हेयर बनने में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, और जब वो नया हेयर बनता है तो उसका टिप इवेंचुअली पतला ही होता है। पर क्योंकि आप रेजर्स में ऐसे काट देते हो तो उसका ब्लंट टिप हो जाता है, इसकी वजह से बाल आपको मोटा दिखता है। दैट्स इट। ऐसा नहीं है कि रेजर से आपके बाल मोटे हो रहे हैं, नो,
वैक्स के भी अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, रेजर्स के भी अपने प्रोस एंड कॉन्स हैं, सो लेट्स डिस्कस देम। वैक्स का कॉन्स है कि पहली बात तो मोटे बाल नहीं दिखते, सेकेंड इज़ बाल देर में आते हैं, थर्ड इज़ इवेंचुअली आपका हेयर ग्रोथ जब फॉलिकल से पूरा तरह से हट जाता है कभी कभी, तो फिर वो अच्छे से रिमूव हो जाता है, तो फिर वो लिटरली हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है, वो इवेंचुअली धीरे 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 आपका कम हो जाता है, आपके हेयर्स कम हो जाते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ आपके डेड सेल्स, जो आपकी डेड स्किन होती है वो भी वैक्स के साथ निकल आती है। कॉन्स इज बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत ज़्यादा। सेकेंड इज बहुत पेनफुल होता है एंड इट्स सो स्केयरी। थर्ड इज इट्स कॉस्टली, अगर आप रीका वैक्स करा रहे हो तो या इट्स रियली कॉस्टली। और जब मैं नॉर्मल वैक्स कराती हूँ अपने हैंड्स पे या लेग्स पे, छोटे छोटे दाने टाइप के आ जाते हैं, बम्स आ जाते हैं एंड रेडनेस आ जाती है, एंड इट रियली डजेंट सूट्स मी एट ऑल, तो मुझे रीका वैक्स ही कराना पड़ता है। रेजर्स के कॉन्स हैं टाइम सेविंग, मनी सेविंग, पेनलेस, एंड फोर्थ इज अगर आप रेजर करने के बाद आप हेयर फॉलिकल डिप्लीटिंग क्रीम्स या कुछ इस टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो देन इट विल वर्क। एंड फिफ्थ इज फॉर फ्लॉलेस मेकअप, क्योंकि जब आप वैक्स कराते हो तो आप एक दो दिन तक आप उसमें मेकअप या कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, बट रेजर के बाद आप आपका स्किन प्रिपेयर होता है, आप वैसे मेकअप करना चाहते हो देन यू कैन। कॉन्स इज इट्स समवॉट डेंजरस, अगर आप उससे कट जाते हो, अगर आपने ऐसे ब्लेड यूज़ किया, ऐसे करना चाहिए, और हमेशा नीचे के डायरेक्शन में अपना फेस शेव करना चाहिए। अगर आपने ऐसे यूज़ कर लिया रेजर, ऐसे की जगह ऐसे यूज़ कर लिया, तो कटने का बहुत डर होता है, और बिगनर्स में ऐसा ज़्यादा होता है कि आपको कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंड इज़ कि इसका थोड़ा ख्याल इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि अगर आप इसको बाथरूम में यूज़ करते हो और अगर आप वहीं पे उसको छोड़ देते हो गीला और उसमें रस्ट पड़ जाता है उसके बाद, इट्स रियली वेरी डेंजरस, उसको थ्रो कर दीजिए, डोंट यूज़ इट। इसको आप अपने बाथरूम में रखा ही मत कीजिए, इसको आपने यूज़ किया बाहर ले आइए, धूप में ज़रूर रखिए, पोंछने के बाद सुखाइए ज़रूर धूप में। थर्ड इज इसको कभी डस्ट में मत फेंकिएगा, एंड स्पेशली विदाउट कैप बिल्कुल भी नहीं। और फोर्थ कॉन्स इज, वैसे बेसिकली इसको कॉन्स कहूँ या ना कहूँ आई एम नॉट श्योर, बट द पॉइंट इज वैक्स में आपका, क्योंकि पूरा अच्छे से फॉलिकल निकल जाता है, आपका फिर से रूट का टिप से निकलना शुरू होता है, तो आपको पतला दिखता है, बट ये क्योंकि सरफेस से निकल रहा होता है तो फिर इसका ब्लंट टिप होता है जिससे मोटा अपीयर होता है, सो दैट्स द कॉन्स। बट अगर आप हफ्ते में एक बार भी बॉडी शेव कर रहे हो तो इट्स ओके। एंड फिफ्थ कॉन्स इज कि अगर आपके थोड़े मोटे बाल हैं और जब रेजर से एक दो दिन बाद जब आपके फिर से बाल निकल रहे होते हैं, ये बहुत चुभता है, सो दैट्स द कॉन्स ऑफ द रेजर। फिटकरी का पानी यूज़ करने के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो आप अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर्स को यूज़ कर सकते हो। मैं शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ, दिस इज़ अ शीट मास्क फ्रॉम डियर पैकर, ये आपको नायका पर मिल जाएगा, एंड दिस वन इज़ माई पर्सनल फेवरेट। अंटिल नाउ मुझे इससे अच्छा शीट मास्क कोई भी नहीं मिला। शीट मास्क की जगह आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो, आप फेशियल ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हो। आप और कई वीडियोस देखोगे जिसमें कि ब्यूटी गुरुज आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको क्लीन स्किन पे रेजर्स करना चाहिए, बट आई विल रिकमेंड यू कि आप वैसलीन या कोई थिक मॉइस्चराइजर, क्योंकि आप फेस पे कंडीशनर नहीं लगा सकते, सो यू हैव टू अप्लाई समथिंग। पहले मैं भी उसको बेयर फेस पे कर देती थी, तो आफ्टर दैट माई स्किन रियली इरीटेट्स, बहुत इचिंग होती थी एंड सॉफ्टनेस बिल्कुल फील नहीं होती थी। टू रिड्यूस द रेडनेस एंड द इरीटेशन यू मस्ट डू दिस। और रेजर आराम से स्लिप होता है रेजर करते वक्त, अगर आपकी स्किन ड्राई होती तो वो फंसता है और फिर कटने का चांस आपका बढ़ जाता है, सो दैट्स द रीज़न। सो दैट्स द चारकोल शीट मास्क। इसको अप्लाई करने से पहले इसके अंदर जो भी रिमेनेंट्स होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई इट, एंड फॉर आईज जस्ट यूज दिस फिंगर, क्योंकि इसमें लाइटेस्ट प्रेशर होता है और आपके आईज की स्किन सबसे पतली होती है, सो इट्स रियली सेंसिटिव।
यू हैव टू लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। इसको लगाने के बाद ज़्यादा बक बक नहीं करनी चाहिए। तो आपसे मिलती हूँ 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट्स हो चुके हैं, आई रियली फील माई स्किन रियली वेरी हाइड्रेटेड एंड माई स्किन इज रियली ग्लोइंग। इसको टैप टैप करके अब्सॉर्ब करवाना है, जस्ट टैप टैप टैप। इधर यू कैन डू लाइक दिस और दिस, यू डोंट हैव टू स्लैप योर सेल्फ, धीरे धीरे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय के लिए बाय।